दुर्गा पूजा को मात्र दुई दिन बाकी थाए। राघव लिप्सा स्वाति और समीर चारि सांग गोटे अफिस काम करूथांती। अफिस छुट्टी थिबा जोगु समीर तार बाकी दुई सांग मानंकु पूजा छुट्टी केउ आड़ बुली जिबा पाई प्रस्ताव रखिथिला। प्रस्ताव रे समस्ते राजी भी होई जाइथिले। योजना थिला कि सेमाने गोपालपुर बुली जिबे एवं सेठारे भोजी करिबे। एथिपाई सेमाने समीर पाखरे थिबा गोटे एसयूवी गाड़ी को बाछिथिले जेउथिरे लंबा रास्ता आउ जणा पड़िब नाही। प्लानिंग अनुसार से दिन समीर निज एसयूवी गाड़ी धरी गोटे निर्धारित जगार पहुँचिता जेउठारे अन्य तीन जण तार अपेक्षा करुथिले। समीर सेठारे पहुँचवा बेले देखिथिला कि तीन जण कौनसी एक कथा को नहीं जोर जोर रे हसुछंती। जेतेबेले समीर पचारिथिला कि सेमाने कौन पाई हसुछंती, राघव कहिथिला कि अरे ना रे किछि नै, से गोटे पागल बुढ़ीटे आसिथिला ता कथा नै हसुथुलु। समीर गाड़ी स्टार्ट कला एवं समस्ते निज निज सीट रे बसी जाइथिले। से दिन सेमाने राति 7टा रु निज यात्रा आरंभ करथिले। राति सारा किछि जगह रे रही रही जिबार प्लानिंग थिला सेमानकर। समीर रो गाड़ी फुल फिलिंग सहित 120 स्पीड रे हाईवे रो सुनसान रास्ता रे आगो बढ़ुथिला। यात्रा आरंभ होबार किछि घंटा परे लिप्सा समीर को गाड़ी रखिबा पई कहिथिला। हाईवे कडरे गाड़ी लगाइबा मात्रे ही लिप्सा ओल्हाई जाइथिला एवं किछि दूर को जाई बांति करिबाकु लागिला। लिप्सा रो अचानक कौन हैला केहि भी बुझि पारुनथिले, कारण किछि समय पूर्वरु से संपूर्ण भाव ठीक थिला। लिप्सार बांति बंद होबार ना नेउ नथिला, सेमिति बांति करि करि सेठारे बेहोश होइगला। लिप्सार ए अवस्था देखि समस्ते बहुत चिंतित होइगले, कारण सेठारे आखपाखरे केउठि हॉस्पिटल अछि सेमानंकु जणा नथिला। लिप्साकु सेमाने गाड़ी को नै पछ सीट रे सुवाइ देले एवं हॉस्पिटल खोजिबा पई आगकु बढ़िगले। किछि समय जाइछि कि नै राघव समीर को गाड़ी रखिबा पई कहिला। से कहिला कि पछरे गोटे दुकान को सेमाने पास करि आसीगले। मु दुकानी को हॉस्पिटल केउठि अछि पचारि आसुछि, राघव एहा कही गाड़ी ओल्हाई पछकु दौड़ी दौड़ी चलीगला। 5 मिनिट अपेक्षा पर मध्य राघव गाड़ी को फेरी नथिला, तेणु समीर गाड़ी ओल्हाई पछकु देखिया पई जाइथिला। पछकु देखे तो सेठी कौनसी भी दुकान नहीं। समीर चिंतारे पड़गला, कारण राघव सेठी केउठि भी देखा जाउनथिला। सेमिति खोजाखोजी परे रास्ता कड़े राघव पड़ीथिबार समीर देखिबाकु पाइला। समीर जेतेबेले राघव को उठाइबाकु चेष्टा कला, से देखिला कि राघवर निश्वास बंद होई जाइछि एवं से मरी जाइछि। एपटे स्वाति गाड़ी भितरु जोर चित्कार करिबार समीर सुनिला एवं गाड़ी निकटकु दौड़िला। सेठी जाइ समीर जा देखिला तार पाद तलु माटी खसीगला परि लागिला। लिप्सार पाटीरु फेण बाहरुथिला एवं तार मध्य मृत्यु हो जाइथिला। सेमाने केबे भी भाबि नथिले कि तांको सह एमिति हेबो। हाईवे मझिरे दुईटी शव सह रही जाइथिले तो केवल समीर एवं स्वाति। सेठाने मोबाइल रे टावर आसुनथिबारु सेमाने काहाकु साहाज्य पाइ मध्य डाकि पारुनथिले। स्वाति कांदि कांदि कहुथिला कि आमे कौन पाइ से बुढ़ी उपरे हसुथुलु, ता कथा धीरे धीरे सत होउछि। समीर किछि बुझि पारला नाही। स्वाति कौन कहुछु, मु किछि बुझि पारुनि, क्यों बुढ़ी कथा कहुछु तु, समीर पचारला। स्वाति कहिबा आरंभ कला, सेमाने जेतेबेले समीर रो आसिबार अपेक्षा करुथिले सेतेबेले सेमाने जणे बुढ़ी लोक को देखिथिले जिए रास्ता पारी होउथिला। बुढ़ी लोक जणक हठात रोड मझिरे पड़ी जाइथिले एवं साहाज्य पई डाक देथिले, किंतु आमे तीन जण तांको साहाज्य करिबा बदलरे तांकर असहायता उपरे हसिथिलु। से सेमिति घोसाड़ी घोसाड़ी होई रास्ता कड़क आसीथिले। आमो पाखो को आसी से खाइबा पई किछि पैसा मागिथिले, किंतु राघव तांको पछकु धक्का दे दिथिला एवं पाखरे पड़िथिबा गुटे काठकु उठाई से बुढ़ी को मारिबा पई डराइथिला। बिचरा बुढ़ी जणक लहुलुहाण अवस्था रे सिठारु चलीगला। सेतेबेले बुढ़ी को देखि सेमाने हसिबा समय रे समीर सेठारे गाड़ी धरी पहुँचिथिला, किंतु जीवा समय रे से बुढ़ी गोटे कथा कही जाइथिला। से कहिथिला कि कालीर सकाळ तमे केही भी देखि पारिबो नाही, बोधे हुए ता कथा एबे सत हेबाकु लागिछि।
ସମୀର କଥା ଶୁଣି ବୁଝିପାରିଥିଲା କି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଏବେ କେବଳ ସ୍ୱାତି ଥିଲା ଯାହା ସହ କିଛି ଅଘଟଣ ହେବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ସମୀର ସ୍ୱାତିକୁ ତା ସହ ରହିବାକୁ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାତି ସେତେବେଳକୁ ଡରରେ ଥରୁଥିଲା ଏବଂ ସମୀର କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାଇୱେରେ ଏପଟରୁ ସେପଟ ଦୌଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ଏକ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ସ୍ୱାତିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସମୀର ସେଦିନ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ମରିବାର ଦେଖିଥିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା କଥା କି କେବେ ହେଲେ ବି ଆମେମାନେ ଆମଠାରୁ ବୟସର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୋଷ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ବାହାରିଥିବା କଥା ବି ସତ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦଶହରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୋର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭକ୍ତ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।